धर्मपुर के गलू में अटल बिहारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पे चलाए जा रहे अभियान पंडित दीनदयाल के विचार मोदी की नीतियों का आधार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। जनता को संबोधित करते हुए अत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का मूल आधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वह विचार है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति का लक्ष्य समाज की अंतिम पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण सबसे पहले होना है। इसी को आधार मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 3 वर्षों के कार्यकाल में देश के उन करोड़ों जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए नीतियां बनाकर उनका कल्याण सुनिश्चित किया है, जिनकी देश की स्वतंत्रता के बाद अधिकतर समय अनदेखी ही हुई है। अत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना राष्ट्र की उन करोड़ों माताओं के कल्याण के लिए है, जो चूल्हा जलाते जलाते पूरा जीवन कभी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी। उन्होंने कहा कि 1 मई 2016 को शुरू की गई इस योजना से अब तक 2 करोड़ 16 लाख गरीबी रेखा से नीचे रह रही माताओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया और इसमें आने वाले 3 सालों में केंद्र सरकार ने 5 करोड़ और कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अटल वेलफेयर सोसाइटी ने आज यहां धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के गलू क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसका विषय था मोदी जी की नीतियां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस तरह राजनीति को परिभाषित किया था कि राजनीति का उद्देश्य समाज में सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का कल्याण सबसे पहले सुनिश्चित हो, इस तरह उन्होंने किया था। और इसी को आधार मानकर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 वर्षों से इस देश के सबसे जरूरतमंद लोगों को, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, मजदूर हो, युवा हो या फिर मातृशक्ति हो, प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं। अभी हाल ही में जो जिक्र पूरे देश के अंदर चल रहा है, उज्ज्वला योजना, ये वो योजना है जो पूरी तरह से इस देश की मातृशक्ति को समर्पित है। बीपीएल परिवारों से संबंधित करोड़ों माताएं, जिनको अपने स्वास्थ्य का नुकसान इसलिए झेलना पड़ता था क्योंकि संसाधनों की कमी के चलते वो गैस चूल्हा नहीं ले पाती थी, उनको आग का चूल्हा जलाकर धुआं फांकना पड़ता था, धुआं झेलना पड़ता था। पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि हमारी सरकार इस देश की करोड़ों माताओं को इस समस्या से निजात दिलाएगी, और इसी के तहत 1 मई 2016 को जो योजना शुरू हुई, 1 वर्ष से पहले तक 2 करोड़ 18 लाख माताओं को, जो बीपीएल परिवारों से संबंध रखती हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल चुका है। और आने वाले 3 वर्षों में 5 करोड़ का जो लक्ष्य, 5 करोड़ माताओं को इस सुविधा को मुहैया करवाने का लक्ष्य केंद्र की सरकार ने रखा है। आज विस्तार पूर्वक आम जनमानस के बीच में, जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, वहीं साथ में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी विस्तार पूर्वक यहां बखान किया गया, लोगों को बताया गया,